तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, टूल यहाँ पे सही से क्लोन हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपने टर्मक्स में गिटहब के यूजर नेम एंड पासवर्ड का एरर कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाला एरर कभी ना कभी आपको मिला ही होगा, एंड अगर आप इसका सॉल्यूशन नहीं जानते हो तो बेसिकली इसका सॉल्यूशन बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। तो हे गाइस, मैं हूं एलेक्स एंड आप देख रहे हो टेक्नो एलेक्स। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले आपको यहाँ पे एग्जैक्टली एरर दिखा देता हूँ टर्मक्स में कि ये क्यों आ रहा है। तो देखो, मैं यहाँ पे टर्मक्स ओपन कर लिया हूँ। अभी मेरे पास जो लिंक है, अगर मैं इसको क्लोन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये यहाँ पे सही से क्लोन हो रहा है। लेकिन अगर मुझे एरर लाना हो तो क्या होगा इसमें? तो बेसिकली जो एरर आता है तो वो लिंक में कुछ गड़बड़ होता है। लाइक आप कोई इनवैलिड लिंक ले लेते हो या फिर कोई ऐसा लिंक जो कि गिटहब पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो वही अगर मैं जो भी क्लोन कर रहा था इसका, जो इसके लिंक में कुछ अगर मैं इसमें कुछ भी छेड़खानी करता हूँ तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, चाहे वो टूल के नाम में कुछ गड़बड़ हो या फिर यूजर नेम में। तो इसको सॉल्व करना एक्चुअली बहुत ईजी है। तो आप तो यहाँ पे आपको देख लेना लिंक में सबसे लास्ट में क्या नाम है, तो वो बेसिकली टूल का नाम होता है। तो जो भी है नाम वो आप यहाँ पे देख लीजिए एंड वही आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। लाइक मेरे केस में यहाँ पे यूजर रेकॉन है, तो मैं यहाँ पे गूगल ओपन कर लूँगा एंड यहाँ पे मैं सर्च करूँगा यूजर रेकॉन एंड स्पेस डाल के गिटहब लिख दूंगा। तो जो भी आपका टूल का नाम है तो वो आप देख लीजिए एंड यहाँ पे यूजर रेकॉन के जगह पे आप अपने टूल का नाम लिख के स्पेस डाल के गिटहब लिख के सर्च कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट या सेकेंड नंबर पे रिजल्ट मिल जाएगा। तो उस पे टैप करोगे तो यहाँ पे उस टूल का यहाँ पे गिटहब पेज ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे जो आपका क्रोम का सर्च बार है वहाँ पे टैप करके जो पूरा का पूरा लिंक कॉपी कर लीजिए। एंड ये जो लिंक आपने कॉपी किया है, अगर आप इसको टर्मक्स में जाके क्लोन करते हो तो यहाँ पे आपको कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। एंड इसके बाद भी अगर किसी का एरर सॉल्व नहीं होता ये वाला, तो आप कमेंट कर सकते हो क्या एरर आ रहा है एग्जैक्टली आपको, तो मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।